तो गाइज आपको पता है कि फ्री फायर के अंदर आने वाली एक स्नाइपर और एक एमटन लेकिन वो काम क्या करेगी तो दिखने में तो कुछ अलग टाइप की है लेकिन टेंशन क्या को लेनी हम आपको बताएंगे क्या काम वो करने वाली है और दोस्तों बात करें कुछ और अपडेट के बारे में भी तो दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बाहर आए तो सब्सक्राइब कर दें पीआर गेमर को बेलाइकन को आल पर प्रेस कर देना क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो दोस्तों एक गुड न्यूज़ वो गुड न्यूज़ ये है कि फ्री फायर का न्यू टॉपअप रिवार्ड जिसपे आपको मिलने वाले हैं पाँच सौ डायमंड यानी कि अगर आपके पास नाइन सेप्टेंबर को जो न्यू टॉप अप रिवार्ड आने वाला है उस पर अगर आपके वॉलेट के अंदर आपके इन गेम के अंदर डायमंड हुए 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 कम कम तो तो थोड़े हुए, 100 से से डायमंड भी कम हुए, तो आपको टॉप अप रिवॉर्ड मिलेगा बहुत ही सस्ता लेकिन अगर आपके पास ज्यादा डायमंड हुए तो आपको पता है कि जो हमारा इवेंट होता है यह डायमंड बेस होता है यानी कि अगर आपके पास कम डायमंड है तो आपको मिलेगी ऑफर अच्छी कम पैसों में ज्यादा डायमंड अगर आपके पास ज्यादा डायमंड है तो फ्री फायर बोले कि भाई जेब से निकालो माल तो यही चेक करें अगर भाई चाहिए वाला टॉप रिवार्ड तो अपने डायमंड कर लेना कम तो दोस्तों बात करते हैं इसे नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो वो निकल के आता है ये वाला बंडल का इवेंट तो आप बंडल देख ही सकते हैं बंडल अच्छा लगे या पूरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बाकी गाइज अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो बंडल के बजाय किसी और चीजों में खर्च करें वेपन्स की स्किन होगी तो वो कुछ ज्यादा ओपी लगती है यानी कि गेम प्ले में भी अच्छी लगेंगी आपके बेनिफिट होगा बाकी बंडल आपको चाहिए तो आपको न्यू हैकर स्टोर ये वाला देखने को मिल जाएगा अगर आप पैसा खर्च करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है तो सबसे मेन बंडल इसके अंदर ये ब्लैक वाला ही है लेकिन व्हाइट वाला और एक और बंडल भी ऐड है कुछ और चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी बाकी छोटी मोटी चीज़ें यानी कि एक आप लेफ्ट से एक राइट से ले सकोगे हाँ थोड़े बहुत रिवार्ड चेंज हो सकते हैं देखते हैं फ्री फायर क्या करती है तो दोस्तों बात करते हैं इसे नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो वो निकल के आता है हमारा न्यू डायमंड रॉयल का बंडल मेल का आपको पता है ऑलरेडी चल रहा है थ्री डेज बाकी हैं थ्री या फिर फोर डेज लेकिन उसके बाद आपको देखने को मिलने वाला एक फीमेल कैरेक्टर का सेम टू तो सेम वही भाई बहन है दोनों देख सकते हैं वही सेम टू तो सेम बंडल है तो ये कुछ इस टाइप का हो सकता है लेकिन गाय ये वाला बंडल में थोड़ा ओपी लग रहा है यार काफ़ी बढ़िया लग रहा है बंडल लेकिन अगर सस्ते में निकल जाए फ्री वाले स्पिन में निकले तो काफ़ी बेस्ट है अगर डायमंड में निकले तो या दस स्पिन में निकल जाए तब भी ठीक ठाक ही है लेकिन ज़्यादा डायमंड जाएँ तो डायमंड भी के लिए तो भाई दिल से बुरा लगता है तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बंडल अच्छा लगे या बुरा वो आपकी मर्जी है तो वीडियो का लाइक कर ना तो दोस्तों आपको पता है कि फ्री फायर के अंदर जो न्यू इनकूबेटर आने वाला है जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि फाइव लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों ने क्वेश्चन किया था कमेंट में कि क्या उसका क्या उसका डैमेज की मतलब कितना डैमेज देता है तो मैंने कहा यार आपको इसी वीडियो में कवर कर लेंगे कल की वीडियो में कवर नहीं कर सके क्योंकि एमपी है तो जो सबसे लेजेंडरी है ना मैं उसका आपको रिव्यू दिखाया था हूं कि उसका कितना डैमेज लगने वाला है हेड पर बॉडी पर और नीचे पाओं पर और जो उसकी एक्यूरेसी है वो कितनी है और रील और स्पीड में वो कितना स्लो चलती है गन तो मैं आपको दिखा देता हूँ तो क्या देख सकते हैं ये फर्स्ट लुक तो ये कुछ इस टाइप की है तो एम पी फाइव लावा ये टॉप रेयर यानी कि टॉप रेयर तो नहीं टॉप वाली गाने जो सबसे ज्यादा महंगी फ्री फायर में मिलने वाली है इनको बैटरी के अंदर टॉप पर जो होती है एक सौ छब्बीस का डैमेज हेड के ऊपर पड़ रहा है तो देख सकते हैं वन टू सिक्स का तो वन टू सिक्स पर हेड लगने वाला है अगर उन जो एनिमी ने हेलमेट ना पहना हो तो बाकी देख सकते हैं ट्वेंटी थ्री का बॉडी डैमेज है विदाउट वेस्ट वेस्ट होगी तो ये कम हो जाएगा और लेकिन विदाउट वेस्ट 23 बाकी अगर बात की जाए नीचे तो सेवनटीन का डैमेज ये पड़ने वाला है बाकी देखे जाए रीलोड का तो यार री मुझे इतना स्लो नहीं लगा जितना सोचा था बाकी थोड़ा सा अगर मैं लॉन्ग रेंज में जाता हूँ तब भी वही सेम टू सेम है तो ये ठीक है लेकिन जो है थोड़ी बहुत जो देख सकते हैं कि री स्पीड इसकी कम है लेकिन इतना मतलब तो शो नहीं हो रहा कि री है रेंज ज़्यादा है तो यार ये बेस्ट होने वाली है गन अगर आप इसको परचेज कर सकें तो अगर इतना आपका बजट हो तो वरना सेकेंड और थर्ड की तरफ भी आप जा सकते हो क्योंकि सेकेंड और थर्ड की जो एबिलिटी है वो भी काफ़ी बेस्ट है दोस्तों बात करते हैं फ्री फायर के न्यू ग्रैंड मास्टर बैनर और अवतार के बारे में तो ये कुछ इस टाइप के होने वाले हैं लेकिन अभी इसमें इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा है यार कैसे होने वाले हैं चले मैं आपको दिखा देता हूँ तो भैया मेरे पास ऑलरेडी ये टू मंथ पहले मुझे मिल गया था ये कुछ इस टाइप का होने वाला है तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर का बैनर और अवतार कुछ इस टाइप का है जो भी न्यू मिलेगा ओल्ड में एनिमेशन नहीं था लेफ़्ट वाले में देख सकते हैं जिसके अंदर आग से निकल रही है लेकिन फ्री फायर ने क्या किया कि अभी इसके अंदर ये चीज़ ऐड कर दी है तो इसलिए भाई काफ़ी ओपी लगता है तो ग्रैंड मास्टर वाला जो भी होगा उसके बाद अभी आपको ये वाला जो

पांच स्पिन मारने के बाद क्या है कि आपको यह गोल्डन वाइकल मिल जाएगी उसके बाद क्या होगा आगे जो चार चीज़ें उसमें रैंडमली कोई भी चीज़ आपको मिल जाएगी लेकिन मैक्सिमम जो फर्स्ट वाला आइटम होता है वही हमको देखने को मिलता है फिर सेकंड तो ये जो तीन रेयर आइटम है इस पर आपके थोड़े अच्छे खासा डायमंड लग सकते हैं अगर आप लगाना चाहेंगे तो, तो दोस्तों बात करते हैं इस नेक्स्ट अपडेट के बारे में फ्री फायर में लक रोल के अंदर यानी कि आपका वेपन रोल के अंदर आपको देखने को मिल सकती है दोबारा से वैक्टर तो वैक्टर किसी ने ओल्ड वाली नहीं होने वाली दोबारा से मैंने कह दिया दोबारा से नहीं फर्स्ट टाइम होने वाला है लेकिन लेकिन भाई दो वेक्टर तो दो वेक्टर कैसे एक होने वाली है ब्लू कलर की एक होने वाली है रेड कलर की यानी कि एक पे आग सी होगी एक पे थोड़ी कूल सी होगी तो कुछ भी बोल लो यार भाई आप देख सकते हैं यहां पर तो यह वेपन रोल में यहां पर नहीं ऐड किया गया यहां पर दिया गया फेरेड व्हील के अंदर सिंगल डैमेज है रेंज ज्यादा है रीलोड स्पीड कम है लेकिन यह वेपन रोल में भी हमारे सर्वर पर मिल सकती है जरूरी नहीं है वहां पर अगर फेरेड व्हील है तो यहां पर भी फेरेड व्हील हो लेकिन अगर फेरिड में आएगी तो यार पता होगा कि हजार से बारह सौ डायमंड में यह चीज हमको मिल जाएगी लेकिन अगर आएगी दूसरी चीज यानी कि वेपन

गन आने वाली है फ्री फायर के अंदर ओ बी थर्टी की अपडेट में यानी कि अभी जो कुछ दिनों के बाद जो आने वाली है अपडेट तो क्या इसमें होने के हवाला है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी एक एम टेन एम टेन होगी प्लस में आपको एक देखने को मिलेगी स्नाइपर और थर्ड होगा हमारा पैट तो जो हमारे ओ बी थर्टी की जो मेन अपडेट है ना वो तीन चीज़ें पैट और जो ओबी की अपडेट जो सबसे मेन है ना वो है हमारी जो एक पैट है और दो वेपन है तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी न्यू करैक्टर होंगे मिस्ट्री करैक्टर फ्री फायर कहेगी कि मिस्ट्री करैक्टर रहेगी बहुत सारी चीज़ें होंगी लेकिन गाइज अब बात करेंगे ये करेगी क्या तो सबसे पहले अगर बात की जाए पैट की तो यार पैट की एबिलिटी अब तो तक फ्री फायर ने नहीं कि क्या होने वाली है लेकिन जो गन है उनका बता दिया तो मैं सबसे पहले बता कि जैसे हमारे पास एक प्लाज्मा गन है फायर करते हैं करते हैं उसके बाद क्या होगा हीटअप होने के रिचार्ज होती है तो ये दोनों गन भी सेम टू सेम वही होने वाली है जब यह हीटअप हो जाएगी तो भी ये मानी के काम नहीं करेगी फर्स्ट लेकिन ये करेगी क्या सबसे मेन क्वेश्चन तो आपका यही होगा कि भाई ये करेगी क्या तो दोस्तों ये क्या करेगी कि आपके जो टीम मेट हो गई ये उनको हील करेगी मतलब अगर आप एनिमी को मारोगे तो ये डैमेज देगी लेकिन अगर आप टीम मेट को मारोगे तो ये हील करेगी जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर लिखा भी हुआ है ट्रीटमेंट शॉर्ट गन और ट्रीटमेंट स्नाइपर गन तो एक स्नाइपर है और एक शॉर्ट गन है एम टेन जैसे कि और नीचे जो स्नाइपर है वो स्नाइपर है तो वो ये रिस्टोर स्टोर एच पी करेगी आपके टीम मेट की लेकिन गर्म होने के बाद ये यह काम नहीं करेगी दोबारा से ये रिचार्ज होगी तो भाई बहुत ही बेस्ट काम हो गया ये तो अगर आप यानी कि खेल रहे हो अगर आपके पास एक जैसे कि सी खेल रहे हो एक शॉर्ट है आपके पास ये वाली है कि दूसरी अपने अपने टीम को जहाँ दो फायर मार दिए तो उससे होगा क्या कि जो आपके करेक्टर की एबिलिटी है ना आप वो बचा सकती हो इन गेम के अंदर भी लेकिन उसके लिए आपको एक वेपन छोड़नी होगी लेकिन ये वेपन भी डैमेज देगी यानी कि नहीं ये भी डैमेज देगी अगर आप टीम को करोगे तो रिवाइव देगी तो अभी वो आपके पास दो ऑप्शन है खुद के पास कि आप क्या करना चाहोगे अभी तक तो हमसे बातें कर सकते हैं लेकिन जब इन गेम आएगा तभी यार प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे कि हाँ यार ये वाकई अच्छी है या फिर उड़ते तीरी हैं तो ये जब आएगी तो बात करेंगे तभी तो दोस्तों आज की अपडेट यहीं तक थी आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का लाइक कर देना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखना बाय फ्रेंड